गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऐसे क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर 5 जो मैं नहीं चैप्टर नंबर 4 जो लिखा है वनस्य उपयोगिता, वनों का उपयोग के बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसे सही ढंग से आप लोग घर पे देखेंगे। इदम वनम अस्ति, यह एक वन है। वनम प्रकृति अनुपम उपहारम अस्ति, वन ईश्वर के अनुपम उपहार है। प्रकृति आराधना पर्यावरण से संरक्षण च अस्माकं कर्तव्यम अस्ति। प्रकृति की आराधना और पर्यावरण का संरक्षण हमारा कर्तव्य है। वने लता पादपा वृक्षा च भवन्ति, वन में लता पौधे और वृक्ष होते हैं। तत्र अनेके जीव जंतवः अपि वसन्ति, वहाँ अनेक जीव जंतु भी रहते हैं। प्राणीनाम जीवनाय वनम अनिवार्यम तत्वम अस्ति, प्राणियों की जीवन के लिए वन अनिवार्य तत्व है। जना वनेभ्य पुष्पम फलम काष्ठम औषधि इत्यादिनम प्राप्नुवन्ति, लोग वनों से फूल फल और लकड़ी दवाई इत्यादि प्राप्त करते हैं। वनस्य महत्वम औद्योगिक क्षेत्रेषु अपि सन्ति, वनों का महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में भी होता है। इदं पशु पक्षिणाम आश्रमयम जीवनस्य आधार च भवति, यह पशु पक्षियों का आश्रय जीवन का और आधार होता है। वनस्य अभाये ये जातिया प्रजातिया च लुप्ता भविष्यन्ति, वन के अभाव में ये सभी जंतु और प्रजंतु लुप्त हो जाते हैं, लुप्त होंगे। वनस्य वृक्ष पादपानां हरितमा पशु पक्षिणाम क्रियाकलापम च सर्वेषां चितमहति, वन की वृक्ष और हरे पौधे पशु पक्षियों के क्रिया और मन को प्रसन्न करने का स्थान है। ऋषि मुनिया च शांत ही वने वसन्ति, ऋषि और मुनि शांति से वन में रहते हैं। जना भ्रमणाएँ वनम गच्छन्ति, लोग घूमने के लिए वन में जाते हैं। भारतम कृषि प्रधान देश अस्ति, भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि कर्मेण जलस्य आवश्यकता भवति, कृषि खेती करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल वर्षण वनम सहायताम करोति, जल वर्षा में वन की सहायता करती है। वनम अस्माकं अस्तित्वम रक्षति, जंगल हमारे अस्तित्व को रक्षा करते हैं। अश्वत्थ वट नींब कदली इत्यादि केचन वृक्षा प्राणवायु उस जनम उच्यन्ति, अशोक का वृक्ष बरगद का वृक्ष नींबू का वृक्ष और केला के वृक्ष, ये सभी हमारे प्राणवायु होते हैं जो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वृक्षा पर्यावरणे उत्पन्न ध्वनिम कोलाहलम च अवशोषति, वृक्ष पर्यावरण में उत्पन्न ध्वनि और शोरगुल को नष्ट करते हैं। ते पर्यावरण से अतितापम
अति उष्णम अति शीतम च नियंत्रित कुर्वन्ती। वन पर्यावरण की ज़्यादा गर्मी, बहुत अधिक गर्मी और बहुत अधिक ठंडी को नियंत्रित करती है। ते पर्यावरण शुद्धम संतुलन च कुर्वन्ती, वे पर्यावरण को शुद्ध संतुलित प्रदान करती है। नियमित वृक्षारोपणम अस्माकं कर्तव्यम अस्ति, प्रतिदिन वृक्ष को रोपना हमारा एक कर्तव्य होता है। जना जुलाई मासस्य अष्टविंशतितमां तारिकां वन महोत्सव दिवस इसी रूपेण मान्यते। लोग जुलाई महीने के 28 तारीख को वन उत्सव दिवस मनाता है। प्राणिनां संरक्षण वनस्य संरक्षणम आवश्यकम अस्ति, प्राणियों की संरक्षण के लिए वन का संरक्षण आवश्यक है। वृक्षकर्तनम अपराध अस्ति, वृक्ष को काटना एक अपराध है। अस्माकं देशे प्राचीन काले अभी वृक्षकर्तनम वर्तम आसीत, हमारे देश में पुराने समय से भी वृक्ष को काटना वर्जित है, रोक है। मानवेभ्य वनस्य इयं शोभांसा, मानव के लिए वन की यह शोभा है। हे मानव विश्व सुरक्षाय माम रक्षन्तु, हे मानव संसार की रक्षा ही मेरी रक्षा है, मेरी रक्षा ही संसार की रक्षा है। अब इसका शब्दार्थ आप लोग लिख करके लाएंगे, कल मैं इसका प्रश्न उत्तर करा दूंगा। धन्यवाद।